हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और काफ़ी दिनों बाद जो है इसके अंदर अब ये पॉजिटिव यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी कितनी आ सकती है वो भी हम देखेंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपने सुना होगा, और जो चीज़ यहाँ पर कई लोग जो है इसके अंदर डरने लगे थे कि 600 रुपये का जब मैं प्राइस कहता हूँ कि 600 रुपये अच्छा खासा सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि ये सब ये एक जानकारी होती है, और ये बेस जो कि जानकारी सभी जो चीज़ जो है रखना ज़रूरी होता है। 600 अगर ये 650 से 630 को अगर तोड़ता तो ये जो है मतलब कि 600 रुपये का जो प्राइस है सबसे बड़ा सपोर्ट है। और मैंने वो भी बोला था कि ये 650 और 630 अच्छा खासा जो है एक सपोर्ट है। इसका एक रीज़न भी मैंने बताया था कि यहाँ पर अच्छी खासी जो है डिलीवरी उठी थी, लेकिन इसको हाँ तोड़ भी सकता है क्योंकि मार्केट है, और कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटर का गेम भी होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब 650 का इसने एक लो बनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये जो लो बना था अभी रिसेंटली पिछले महीने में, ये लो कितना था, ये लो था 633 रुपये का। तो मतलब कि ये 650 को तोड़कर 633 हुआ। तो कई लोगों को ये लगा होगा कि ये सपोर्ट तोड़ दिया, अब ये और नीचे जाएगा, लेकिन ये 17 रुपये नीचे से फिर से जो है इसके अंदर ये तगड़ा बाउंस बैक आया था। तो कई बार ऐसा होता है, या फिर तो ये जो पहला जो सपोर्ट होता है उससे 10-15-20 रुपये ऊपर से ही जो है बाउंस बैक आ जाता है, या फिर उसके नीचे से बाउंस बैक आता है, ऐसा कई बार होता है मतलब कि। तो ये चीज़ जो है एक समझने लायक बात है, आज का बाउंस बैक आया ये जो है कितना ऊपर जो इसको ले जा सकता है, और कौन सा ऐसा क्रिटिकल लेवल है जो कि इसको पार करते ही जो है ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर आ सकती है। तो वही दो ही चीज़ हम समझे गए। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल शेप, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर अभी इसका जो ब्रेकआउट है, आज का जो हाई है 683 रुपये के आसपास, सबसे पहले तो यही इसका एक ब्रेकआउट जोन है। अगर ये इसको पार कर ऊपर निकलता है, साथ ही साथ वहाँ पर टिकता है इस हफ्ते मतलब कि कल के दिन इसकी क्लोजिंग वहाँ पर होती है, तो जो सबसे पहले ये एक पहला संकेत होगा कि इसके अंदर हाँ आप तेज़ी थोड़ी सी और इंटेंसिफाई हो सकती है। ये जो करेक्शन का दौर चल रहा है इसका जो है ये थोड़ा सा जो है इसको एक पोज ले सकता है, थोड़ा सा बाउंस बैक और आ सकता है आज काफ़ी दिनों बाद। वैसे आज वॉल्यूम भी काफ़ी बेहतर है, ये आप देख सकते हैं, कल पूरे दिन इतना वॉल्यूम नहीं था। आज एक्चुअली अभी अगर देखें तो 11:30 बजे के आसपास, 11:30 नहीं बल्कि 11 बजे के आसपास का टाइम हुआ है, और 11 लाख 12 लाख के आसपास के जो है यहाँ पर वॉल्यूम हुआ है। आगे देखते हैं आज के कारोबार में अगर डिलीवरी कितनी उठी, तो वो भी यहाँ पर अभी देखें तो अच्छी खासी डिलीवरी उठी है, 5.5 लाख के आसपास की तो यहाँ पर डिलीवरी उठ गई है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात। और ये मैंने जो है पिछले दिनों में कई दिनों में आपको मैं जो है बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छी खासी जो है डिलीवरी उठ रही है, और ये आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये जो 37 लाख की डिलीवरी है, फिर वहाँ पर यहाँ अगर देखें तो एक ही दिन में 2 करोड़ की डिलीवरी उठी थी जब MSCI वालों ने सेल किया था, तो कई लोगों ने इसके अंदर बाइंग भी किया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते उसके बाद भी 45 लाख 22 लाख और अच्छी खासी जो है डिलीवरी यहाँ पर उठ रही है। बीच में अभी जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। आज देखने लायक बात होगी कि पूरे दिन में वॉल्यूम कितना रहता है। ये 15 मिनट का चार्ट काफ़ी दिनों से अगर आप देखें, 3-4 दिन की अगर आप देखें यहाँ पर इसका चार्ट, तो आज ही इसके अंदर सवेरे ही जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए, वॉल्यूम अच्छा खासा है, ये एक बात बढ़िया है। और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप इसको और भी अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके अंदर अभी तेज़ी आई है। तेज़ी कहाँ तक जा सकती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी एक्साइटमेंट मत होइए, अभी देखिए कि कुछ लेवल को पार करना ज़रूरी है। जैसे कि यह वीकली चार्ट है इसका, तो अब यहाँ पर अगर देखें अभी इसका जो जिसकी प्राइस पे ये ओपन हुआ था सोमवार को, इसी प्राइस पे ऊपर आसपास अभी काम कर रहा है, एकदम यहाँ पर डोजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर खास चीज़ है जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है, यानी कि 710 रुपये का जोन, और उससे भी पहले मतलब कि ये 700 से 710 का जो जोन है इसको पार करना सबसे पहले ज़रूरी है, या एटलीस्ट इसी जोन के आसपास अगर क्लोजिंग भी दे कल के दिन तक तो भी जो है काफ़ी बढ़िया बात रहेगी। वरना आने वाले हफ्तों में मतलब कि सोमवार को हो सकता है कि ये जो 5 वीक का मूविंग एवरेज है ये और भी नीचे आ जाए, तो इसके ऊपर जब निकलेगा ये, क्योंकि हर वीक चेंज होता रहता है, हर दिन भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, और ये लाइन जो है अभी और नीचे आएगी आने वाले हफ्ते में, तो इसको जब पार करेगा तब जो है ये तेज़ी का पहला संकेत रहेगा। और सबसे पहली बात, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखिए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दिखाऊँ, तो ये जो करेक्शन का दौर चल रहा है, एक ये चैनल बना हुआ है, यह वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर ये इस हफ्ते का ये जो कि लोअर हाई यहाँ पर जो ये बन रहा है, लोअर हाई और लोअर लो यहाँ पर बन रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये पिछले हफ्ते का ये जो लो है, सॉरी पिछले हफ्ते का हाई है, उसको तोड़कर ऊपर यहाँ पर इसी लेवल के आसपास जो है इसकी क्लोजिंग देना ज़रूरी है। तो अब ये पहला कदम होगा इस चैनल का ब्रेक करने का, मतलब कि ये जो करेक्शन है उसको ये बंद होने का, ये पोज होने के पहले संकेत होंगे। अगर ये पिछले हफ्ते का है जो कि 700 रुपये के आसपास है, उसके ऊपर यानी उसके आसपास ही अगर देखें थोड़ा सा ऊपर भी अगर क्लोजिंग देते तो बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि जो पिछला हफ्ता था उसका जो लो था उसके नीचे तो इसने लो थोड़ा सा बना दिया, अब इसके ऊपर हाई अगर इसके आसपास जो है बना दे तो काफ़ी बढ़िया बात रहेगी। और एक दिन बाकी है अभी इस हफ्ते में, और आज की क्लोजिंग कहाँ पर होगी वो भी हम देखेंगे। तो आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, आज और कल की बात करें तो, और कल भी मैंने बोला था कि सबसे पहले अभी देखें तो ये 676 रुपये का प्राइस है, तो अभी इसके अंदर देखिए तो 680, सबसे पहला कल ही मैंने जो बताया था कि 680 से 700 रुपये
और 710 रुपये एक अच्छा खासा जो है एक रेजिस्टेंट है वहाँ पर, तो अभी भी यही है। और आज देखिए इसका हाई वहीं पर बना है, तो 680 उसके बाद देखें तो अभी 700 का जोन ही यहाँ पर दिख रहा है और 710 रुपये के आसपास का जोन। अगर ये इसको पार करता है तब इसके अंदर जो है तेज़ी ज़्यादा आ सकती है, ये बात भी आप सुन लीजिए। जब भी ये 700 से 710 रुपये को पार करेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 750 से 800 रुपये तक भी जा सकता है। इन द शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन इस लेवल को पार करना काफ़ी ज़रूरी है और इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को। दूसरा आप वीडियो अदानी ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर अभी देखें तो कल इसके अंदर मैंने क्लियर बोला था कि इसके अंदर जो है तेज़ी आ सकती है, बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि मैंने बोला था 965 तक आ सकता है, लेकिन ये बाउंस बैक ज़्यादा आया, तो ये काफ़ी बढ़िया बात भी है। इसका भी जो देखें तो ये ट्राइंगल शेप ही बना हुआ है और इसका भी ब्रेकआउट आज जो इसने हाई बनाया 990 रुपये, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं उसी लेवल के आसपास जो है आज इसका जो है ब्रेकआउट, मतलब कि ये लेवल है। अगर ये इसको पार करके ऊपर निकलता है तो इसके अंदर भी तेज़ी जो है अच्छी खासी आ सकती है। कौन से लेवल हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं, तो डिलीवरी अगर इसके अंदर वॉल्यूम देखें तो थोड़ा सा कम है। अभी डिलीवरी अच्छी खासी उठी है लेकिन टोटल वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम है, और डिलीवरी फिर भी अच्छी खासी उठी है 2.25 लाख के आसपास की। और 15 मिनट के चार्ट के अंदर इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों के अंदर वॉल्यूम के मुकाबले इसके अंदर आज अगर देखें तो अच्छा वॉल्यूम रहा, अच्छी एक शुरुआत हुई। और यहाँ पर अभी देखें तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप इसको और भी अच्छे से देख पा रहे हैं, और इसके अंदर जो है एक स्टेप बाय स्टेप जी जो ऐसा कुछ मतलब कि यहाँ पर खरीदारी हो रही है और अच्छे वॉल्यूम है। और अभी ये जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसका जो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, तो कंसोलिडेशन में थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहे वो अच्छी बात है। और आगे अगर इसका वीकली चार्ट जब हम देखते हैं तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, हालांकि इसके अंदर आप ये शेयर अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ डाउन ट्रम नहीं है, आप खुद देख सकते हो ये काफ़ी दिनों से जो है एक फ्लैट सा यहाँ पर चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। इसका रेंज का ब्रेकआउट सबसे पहले ये 1040 का जोन है, बड़ा ब्रेकआउट तभी होगा जब ये बेरिश कैंडल को हाई को तोड़कर ऊपर निकलेगा, ये मैंने बार बार बोला है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कल एक चीज़ बोली थी कि ये 9 वीक का मूविंग एवरेज 950 के आसपास है, 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज वो भी 950 के आसपास है। और ये आपको आगे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज 950, कई रीज़न थे कि यहाँ से जो है ये बाउंस बैक आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर भी ये ऑरेंज कलर की लाइन है, ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, इससे यहाँ से इसके पहले भी जो है एक अच्छा खासा इसके अंदर तगड़ा बाउंस बैक आया था और आज फिर से जो है वैसा ही बाउंस बैक आया है। तो वीडियो को देखा करें, कल आप मतलब कि मेरे जो वीडियो बनाया था आप देखा ज़रूर करें, डेली इसके ऊपर अपडेटेड किया रहता है। और कई लोग इसके अंदर मतलब कि आज हमने जो इसके अंदर इंट्राडे किया, तो इंट्राडे के अंदर भी जो है आप पैसा कमा सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसीलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर अभी देखें जैसे कि ये ओपन खुद देख लीजिए 950 के ऊपर ओपन हुआ, आज ही इसके अंदर अभी देखें तो 5% के आसपास के जो है पैसा कमाने का मौका था। खैर फिलहाल वो बात है, एक बात है। और यहाँ पर अभी आने वाले मतलब कि आज के दिन और कल के दिन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। और यहाँ पर अभी 980 का प्राइस है, सबसे पहला रेजिस्टेंट अगर देखें तो 1000 रुपये ही है, और उसके बाद देखें तो 1020 और 1040 का जो जोन है ये तगड़े काफ़ी जो है फाइनल इसका रेजिस्टेंट देखें तो ये है 1040 का। और ये मत भूलिए कि इसका जो सर्किट लिमिट है वो 5% नहीं है, ये 10% का सर्किट लिमिट है। तो अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है या फिर ये कभी भी जो है एक मतलब कि बड़ी मूवमेंट भी दे सकता है, तो ये अदानी टोटल गैस की तरह नहीं है कि इसके अंदर कुछ 5% की लिमिट है, इसके अंदर अब सर्किट लिमिट 10% की हो गई है। तो ये तीनों के तीनों जो है एक रेजिस्टेंट है, और इसको जब भी ये पार करेगा इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है। और सपोर्ट की अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला सपोर्ट तो 950 का ही जोन जो कि कल ही मैंने बोला था, उसके बाद देखें तो 930 रुपये का जोन, ये दोनों ही जो जोन है एक अच्छे खासे तगड़े सपोर्ट है कल और परसों, आज और कल के। और मतलब कि आज पूरे दिन की अगर बात करें तो जो चीज़ लग रही है कि इसी लेवल के आसपास जो है ये क्लोज़ हो सकता है, मतलब कि 980 से लेकर 1000 रुपये के बीच में जो है ये इसी लेवल के आसपास क्लोज़ होने की एक संभावना है, और ये तेज़ी बनी रहे यही जो है हम उम्मीद करते हैं। और बाज़ार बंद होने के बाद इसका फिर से हम शाम को वीडियो बनाएंगे अदानी टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखना। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को। आज के वीडियो में इतना अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपने रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजोरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।